ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम संपूर्ण योगी साधक गुरुमा मेरो नमस्कार। आनुस आफ्नो माता पितालाई स्मरण गरौं। हामीलाई औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा दिने सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई स्मरण गरौँ र स्वामी श्री महाराज र आचार्य श्री महाराजको सूक्ष्म उपस्थितिलाई अनुभूति गरौँ। र आज हामी योगशालाको 571 श्रृङ्खला नोभेम्बर 14, 2021 यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण योग साधकहरू, जुम माध्यमबाट जो जोडिनु भएको छ र फेसबुक लाइभबाट जो जोडिनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग आज प्रमुख अतिथि आदरणीय बिमला रावतजी हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रशिक्षकको रूपमा ओलम्पिया मुखर्जी आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र योग चौतारीले आज 571 श्रृङ्खला पार गरिसकेको छ र यसका प्रणेता, यसका परिकल्पनाकार आदरणीय गुरु लभदेव भट्टज्यूलाई म आदरणीय हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो आजको सेसन विशेष छ। हामी डायबिटिक्स सम्बन्धी बढी फोकस गरेर त्यससँग सम्बन्धित आसनहरूलाई फोकस गर्नेछौँ। र आउनुहोस् पहिला म आज हाम्रो आदरणीय चिफ गेस्ट प्रमुख व्यक्तित्व बिमला रावतज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरेर आजको प्रोग्रामलाई सुरुवात गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय बिमला रावजी। आजको हाम्रो प्रमुख शिक्षक हुनुहुन्छ ओलम्पिया मुखर्जी। सी इज ए फर्मर स्टुडेन्ट अफ युनिभर्सिटी अफ पतञ्जलि एन्ड सी इज करेन्टली पर्स्युइङ हर मास्टर्स डिग्री इन योगा फ्रम तमिलनाडु युनिभर्सिटी अफ स्पोर्ट्स एन्ड फिजिकल एजुकेसन। दिस इज हर फाइनल इयर एन्ड लेट्स वेलकम आवर teacher, our Pramukh Prashichak, Adarniya Olympia Mukherjee. National anthem, Pahila Bolo.
प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी सबैजना राष्ट्रिय गान सुरु गरौँ किनकि हाम्रो आजको इन्टरनेसनल प्रोग्राम इज रन बाई आदरणीय मुखर्जीजी फ्रम इन्डिया. सो लेट्स डु आवर वर्क फर्स्ट. लेट्स अल स्ट्यान्ड अप. हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट उठौँ र राष्ट्रिय गानलाई सम्मान गरौँ. प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आचरण वीरहरू का राजपाल स्वतंत्र आचरण ज्ञान भूमि शांति भूमि तारे पहाड़ हिमालय अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति विशाल धेरै धेरै धन्यवाद. अब आजको हाम्रो सत्र सुरु हुन्छ र आजको सत्रलाई सुरु गरिदिनु हुनु म आदरणीय ओलम्पिया मुखर्जीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु. ओलम्पिया मुखर्जीजी, इट्स अल योर्स नाउ. You are in mute. Could you please unmute yourself first? Okay. Yeah. So just to let you know, we might go on. Yeah, just to let you know, we might go on mute a couple of times throughout the program. So just to be mindful of that. Okay, just don't mute me from your side, so it will be okay because I was not mute. No, it happens when we mute everyone, so it will be muted everyone. So we cannot do that. So it will be happen one or twice throughout the program. To just actually, be mindful. The phone is quite far away from me, so it will be, I think, some disturbance will be created. So, okay, fine. I will take care of that. Just remind me in the between of the class, because when I will be involved in the instruction, maybe I cannot be giving focus on that. So, if possible, just remind me, okay? Shall I start? Hari Om, am I audible? Yes, start. Yeah. So today is the World Diabetes Day, Vishwa Madhumeh Divas, जिसे हम बोलते हैं. तो हम सबसे पहले शुभ शुरुआत प्रार्थना और वेद मंत्रों से करेंगे. तो सभी अपने अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले लेंगे अपने चेस्ट के सामने. आंखों को हल्के से धीमे से बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार. सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण. वेद मंत्रों और प्रार्थना का उच्चारण करेंगे. जिनको आता है वो भी
साथ में उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो आप सुन सकते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुपच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वैविषावहे। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकीनां रूपाकरोत्वं प्रवणं मुनीनां पतञ्जलिं पाञ्जलिं मिलानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभी कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए हाथ को ऐसे हथेलियों को जोड़ के रखेंगे नमस्कार मुद्रा में, और जो मंत्र की वाइब्रेशन जो उत्पन्न हुए हैं, उसकी जो भी संचालन शरीर में उत्पन्न हुए हैं, उसको कुछ देर महसूस करेंगे आंखों को बंद रखते हुए। अभी अपनी दोनों हथेलियों को घर्षण करते हुए जनरेट कर लेंगे अपने दो हथेलियों के बीच में अच्छे से, और दोनों हथेलियों को अच्छे से सेकने के लिए आंखों के ऊपर रख देंगे और उसके भाप को महसूस करेंगे आंखों में। ये बहुत ही अच्छा होता है आंखों की दृष्टि के लिए। दोनों हथेलियों को अपने छाती के सामने लेके धीरे से अच्छी लंबी गहरी सांस प्रश्वास के साथ, खुशी के साथ, एक छोटी खुशी अच्छी सी पॉजिटिव मुस्कुराहट के साथ आंखों को खोल लेंगे और हथेली को देखेंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। नमस्कार, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन डायबिटीज के बारे में, क्योंकि आज का स्पेशल क्लास डायबिटीज मेलाइटस डे के ऊपर है। तो डायबिटीज एक्चुअली हम खुशी से नहीं, उसको ये एक प्रॉब्लम है, शारीरिक रोग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं कि हम क्या क्या उपाय निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम, शारीरिक रोग को ठीक करने के लिए। वैसे दुनिया में मोर देन 20% लोग इस बीमारी से जूझते हैं, लेकिन इंडिया में इसका बहुत ज्यादा ही संक्रमण है। तो भारत में तो अगर ऑल ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही डीप रोग है, बहुत ही गहरी रोग है। किसी को ये जेनेटिकली भी होती है, किसी को ये स्ट्रेस की वजह से होती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी आज के टाइम में ये प्रूफ किया गया है। तो सबसे पहले
ये बताना चाहेंगे कि जो आज के योगा सेशन होगा इसके ऊपर बेस करके होगा। वैसे तो डायबिटीज मेलाइटस जो अपने शरीर के अंदर पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाटिक जूस की लैक होने के कारण, वो जूस ठीक से सिक्रेशन ना होने के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो अब इसको ठीक से जनरेट करने के लिए, इसको ठीक से रन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हम क्रिया भी करते हैं योग में, तो क्रिया बहुत लोगों को जो योग से जुड़े हैं उनको पता होगा, जैसे हम वमन कर सकते हैं, कुंजल क्रिया कर सकते हैं। लेकिन ये कुंजल क्रिया जिनको अल्सर है या फिर जिनको हाइपरटेंशन है वो ना करें, बाकी जो नॉर्मल सिर्फ डायबिटीज से जूझ रहे वो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जिन जिनमें आप कोई भी देखे होंगे जिनको डायबिटीज हो रही है, लेकिन वो धीरे 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 पतला पतले होते जाते हैं, है ना। तो ये 1 से 2% लोगों में ये पाए जाते हैं इंडिया में। लेकिन इसको ठीक करने के लिए फिर इंसुलिन लेनी पड़ती है लोगों को, क्योंकि ये नॉर्मली ठीक नहीं हो पाता है। तो हम योगा के माध्यम से भी कोशिश करते हैं कि वो इंसुलिन अपने आप नेचुरली फिर से जनरेट हो सके। और जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, मतलब कि मोटापा बढ़ती है, पेट बढ़ जाते हैं, लोग फूलने लगते हैं। तो उसमें पूरे इतिहास किया जाता है, फिर उसमें लोग दवाइयाँ खानी चालू करते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट होते हैं, फिर दूसरी बीमारी आती है, तीसरी बीमारी आती है। तो ये चेन लगातार चलती रहती है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद अभी हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम हर आसन, हर योग कक्षा, किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज या किसी भी टाइप का हम शारीरिक काम करने जाए तो उससे पहले करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होती हैं, सूक्ष्म व्यायाम मतलब कि जॉइंट मूवमेंट्स, लूज नहीं एक्सरसाइज, तो जॉइंट्स के बीच में हमारे कुछ एनर्जीज लैग करती हैं, यू नो बहुत एनर्जीज स्टक करती हैं, स्टॉक हो जाती हैं। तो उसको लूज करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए, अपने जॉइंट्स को फ्री करने के लिए हम लूजनिंग एक्सरसाइज के माध्यम से हेल्प लेते हैं। उसके बाद हम धीरे 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 इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो या क्रैम्प ना आ जाए। तो अभी दंडासन में आ जाएंगे और अपने दोनों हथेलियों को बाजू में रख लेंगे, अपने पैरों के बाजू में, और अपने दोनों पैरों को अच्छे से गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 times बाएं ओर से। और सांस को, सांस प्रश्वास को कायम रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एक एक एक्टिविटी में ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। हम जितना कॉन्शियसली ब्रीथ करके इस मूवमेंट को करेंगे उतना हमारे लिए यूजफुल होगा, लाभदायक होगा। क्लॉकवाइज 5 times होने के बाद अभी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एक ऑपोजिट साइड से कोई भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर पोज करना इम्पोर्टेंट है। जो इफेक्ट हमें एक साइड में मिला वो इफेक्ट हमें दूसरे साइड से भी मिलेगा। तो हाफ जब करेंगे इनहेल एंड हाफ एक्सहेल, एंकल रोटेशन को कंप्लीट करने के बाद अल्टरनेट एंकल स्ट्रेचिंग करेंगे। सांस को लेते छोड़ते हुए सांस को लेंगे तो एक पैर पीछे, ये अल्टरनेटिव है, तो जब एक पैर पीछे जाएगा दूसरा पैर आगे जाएगा। एंकल स्ट्रेचिंग, टो स्ट्रेचिंग, थोड़ा अच्छे से स्ट्रेच को फील करेंगे काफ मसल से, थाई मसल से, अपने घुटने से,
लेग को थोड़ा शेक कर लेंगे। अभी अपने पैरों की उंगलियों को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज करेंगे आंखों तक। सांस सांस को कायम रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम नी रोटेशन करेंगे, घुटने को घुमाएंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। हाफ जब उठाएंगे तो सांस को लेंगे, हाफ छोड़ते हुए सांस को छोड़ेंगे। इसको कंटिन्यू 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने पहले दाहिनी घुटने को मोड़ेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे इसको अपने छाती के पास। जैसे बच्चे को हग नहीं करते अपने सबसे प्यार करने वाले को, ऐसे हग कर लेंगे। अपने फोरहेड को अपने घुटनों से टच करेंगे, रिलीज करेंगे। अब दूसरे पैर को सेम जैसे दाहिने पैर को किया था, घुटने को मोड़ लेंगे हक करते हुए, अपने फोरहेड को घुटने में टच करेंगे, देन रिलीज करेंगे। ऐसे ही 5 बार, 5 से 10 बार करेंगे। इनहेल, बेंड योर नी एंड एक्सहेल बैक। इनहेल बेंड योर नी एंड एक्सहेल रिलीज योर लेग। Again, fold your right knee, inhale and exhale. Inhale your left knee, exhale back. Do it alternatively. 3, 4, 5, little bit. Try to increase the intensity and speed. हो सके तो म्यूजिक ऑन कर दीजिएगा ताकि क्लास की रिदम बनी रहे। अभी पैरों को थोड़ा शेक कर लेंगे ताकि अगर कोई क्रैम या पेन हुआ हो लेग्स के किसी भी जॉइंट में या मांसपेशियों में तो वो थोड़ा रिलीज हो जाए। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे बैक में। अपना जो राइट हैंड रहेगा पीठ के पीछे रखेंगे और बॉडी को राइट साइड से ट्विस्ट करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड राइट लेग के ऊपर रहेगा और पीछे देखेंगे, चिन एंड शोल्डर इक्विलिब्रियम में रहेगा, पैरेलल ही रहेगा। पीछे देखेंगे थोड़ा सा, कुछ देर होल्ड करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ रिलीज, सामने आएंगे। सेम चीज काउंटर पोज करेंगे, अपने उल्टी तरफ से भी अपना बाएं हाथ पीठ के पीछे रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। आप एंगल देख सकते हैं, आपकी बॉडी एकदम 90 डिग्री में होनी चाहिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन कर्व नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्पाइन कर्व होती है तो वो लाभ नहीं रहता, उल्टा पेन इंक्रीज होने की, मतलब दर्द बढ़ने की संभावना रहती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, और भी जितने भी अपने वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो बढ़ने की दिक्कत होती है। तो कोशिश करेंगे जितना हो सके स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए मूवमेंट करें। ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द बैक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अपने
दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर घुटने की ओर रखेंगे और दाएं हाथ आपके मैट में रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, आपके एल्बो एंड आपकी बॉडी बिल्कुल समांतर में होनी चाहिए और आपकी जो स्किन है और शोल्डर एकदम पैरेलल होनी चाहिए। कुछ देर होल्ड करेंगे इस मूवमेंट में, 2, 3, 4, 5। नाउ अभी थोड़ा ऑल्टरनेटिव मूवमेंट कर लेंगे, ट्विस्टिंग। ये मूवमेंट भी डायबिटीज मेलाइटस के लिए भी बहुत लाभदायक है क्योंकि डायबिटीज में क्या होती है, हमारी पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम होती है, पैनक्रिया सिक्रेट नहीं हो पाती है। तो अगर हम ट्विस्टिंग करते हैं तो हमारी पैनक्रियास में भी पेरिस्टाल्टिक इफेक्ट देता है, उसको ट्रिगर अप करता है और उसकी मूवमेंट को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। अगर पैनक्रियास क्या, आपका माइक म्यूट हो गया है। प्लीज कोशिश करें कि म्यूट ना करें क्योंकि मुझे जाकर के वो म्यूट करना पड़ता है। सॉरी, थोड़ा क्लास में जो फ्लो रहती है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है और कुछ नहीं। तो डायबिटीज मेलाइटस में जो ये ट्विस्टिंग इफेक्ट है ये भी बहुत ज्यादा लाभदायक है क्योंकि ये हमारे पैनक्रियास में डायरेक्ट इफेक्ट करता है। मीन्स हम अगर बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो हमारा जो पैनक्रिया होती है वो ऑलरेडी ट्रिगर अप करती है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक ठाक होती है तो जूस सिक्रेट होना अपने आप चालू होने की संभावना हो जाती है नेचुरली। क्योंकि यूजली हम क्या करते हैं, खाते रहते कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं, कुछ कैलोरी बर्न नहीं करते तो धीरे 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 वो इंसुलिन नॉर्मल से एबनॉर्मल कम सिक्रेट करने लगता है। अगर वो कम सिक्रेट करने लगे तो मधुमेह की बीमारी धीरे 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 बढ़ते जाती है। टाइप 2 में क्या होता है कि शुरू शुरू में पता नहीं चलता है लेकिन धीरे धीरे इसका आह्वान होने लगता है, लेकिन टाइप 1 में क्या होता है शुरू से ही ये पता चलता है क्योंकि दोनों के सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो कभी किसी को ये प्रॉब्लम हो तो थोड़ा ध्यान रखिए, वो टेस्ट कराएं अपना टाइम टू टाइम। जिनको ऐसा कोई सिम्टम्स लगे, प्यास ज्यादा लगे, फ्रिक्वेंटली पेशाब लगे और इरिटेशन हो तो वो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। धीरे से सांस को लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए बॉडी को सामने मूव करेंगे और ट्राई करेंगे जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो अपना फोरहेड अपने घुटने से टच कर सकते हैं या फिर चिन घुटने से टच कर सकते हैं। बेटर है कि आप चिन को टच करने की कोशिश करें क्योंकि जब आप चिन को टच करते हैं तो आपकी स्पाइन बहुत स्ट्रेट होने की संभावना होती है। एंड जब आप बेंड करें तो अपने लोअर बैक से करें, हिप जॉइंट के पास से करें क्योंकि अगर आप मिडिल बैक से करते हैं तो आपकी स्पाइन कर्व हो जाएगी तो वो सही टेक्निक नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे जितना हो सके प्रॉपर टेक्निक में करें। इनहेल, टेक योर बोथ हैंड्स अप एंड एक्सहेल, गो डाउन, ट्राई टू टच योर चिन और फोरहेड टू योर लेग्स, ट्राई टू होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स। 1, 2, 3, try to catch your big toe with your fingers, 4, and try to touch your elbow with the mat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now inhale, raise your both hands up, dono hatheli ko upar le lenge and down, isko alternatively karenge, inhale, up and exhale down, inhale up and exhale down,
जितना कॉन्शियसली एंड ब्रीथ प्रोसेस के साथ करेंगे वो उतना ही यूजफुल एंड बेनिफिशियल होगा. इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन. इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन. इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन. ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है. जॉइंट मूवमेंट, लूजिंग एक्सरसाइज एज वेल एज आसना भी है, क्योंकि इसमें पूरा हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमारा प्रेशर एब्डोमेन में भी जाता है और हमारे स्टमक एंड एब्डोमेन रीजन में जितने भी इंटेस्टाइन एंड जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं तो पैनक्रिया भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आता है तो उसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक इफेक्ट देता है. इवन उसको ट्रिगर अप भी करता है. तो इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेंगे और जिनको सच में ये प्रॉब्लम है ये प्रैक्टिस करेंगे डेली सही से एंड सिस्टमेटिकली उनको सच में बेनिफिट मिलेगा. आई मस्ट से अभी राइट लेग को राइट नी को फोल्ड कर लेंगे, अपने छाती के पास ले लेंगे कस के. आपकी थाई एंड चेस्ट एक दूसरे से टच होनी चाहिए एंड लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट घुटने को टच करेगा राइट लेग को क्रॉस करते हुए एंड फुल ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को बैक में. ये आसन बहुत ज्यादा लाभदायक है डायबिटीज मेलिटस के लिए. सेम हमने प्रीवियसली भी ये मूवमेंट की थी पर वो आसन नहीं थी, सिर्फ हमने नॉर्मल मूवमेंट की थी. हमें पीछे देखते हुए अपनी चिन एंड शोल्डर को ट्राई टू टच बोथ विद ईच अदर एंड दोनों इक्विलिब्रियम लेवल से पैरेलल ही होनी चाहिए. कुछ देर इसी पोजिशन में होल्ड करेंगे 5 to 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Release. सेम चीज अब उल्टी तरफ से भी करेंगे. समानता बनी रहे, इक्वल इफेक्ट मिले हमें. सेम चीज, सेम आसना, सेम पोस्चर उल्टी तरफ से इस पोजीशन में होल्ड करेंगे कुछ देर. पीछे देख लेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Release. I hope मेरी आवाज आ रही है सबको clearly. Am I audible? Yes, you are. Oh. Okay, okay, thank you. थोड़ा सा stretch कर लेंगे, छाती को stretch करेंगे, थाई से थोड़ा सा movement करेंगे. जितने भी ऐसे आसनास मूवमेंट्स और जितने भी ट्विस्टिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग ये सब मूवमेंट वाले आसना होते हैं, लूजिंग होते हैं, ये सारे डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं. इवन अगर हम डेली करें, फिट इंसान करे तो उन्हें तो डायबिटीज होने की कोई चांसेस ही नहीं रहती है. एंड स्ट्रेस भी कम लेना इम्पॉर्टेंट है और रात को नींद लेना सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम नींद अच्छे से ना लें तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर अप करती है और स्ट्रेस हार्मोन अगर सही से काम नहीं करेगा तो उस टाइम ये सारी बीमारियां उनके चांस होते हैं. इवन हम जो अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट होते हैं माइंड में, टॉक्सिक थॉट्स जिसे बोलते हैं, नेगेटिव जो यूजफुल नहीं है, उसके कारण भी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि हमारा मोर देन 60% ब्रेन से उसी में ही टॉक्सिक थॉट्स के पीछे ही अपना एनर्जी इंक्लूड करते हैं. तो
ये सारे मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, तो बेटर है कि हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें एंड सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल को फॉलो करें, प्रॉपर मील्स ले, प्रॉपर टाइम में मील्स ले, प्रॉपर नींद ले, प्रॉपरली काम करें, अपने काम को पेंडिंग ना रखें जिससे भी स्ट्रेस बढ़ती है, फिर बीमारियां बढ़ती हैं। ओके अभी सब खड़े हो जाएंगे, हम थोड़े से बाकी सारे लिम्स के भी एक्सरसाइजेस एंड लूजिंग कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को कमर में रखेंगे साइड ऑफ द बैले और अपने दोनों पैरों को 1 to 1.5 feet गैप रख लेंगे और धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल के साथ हिप रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज फ्रॉम द राइट साइड लेफ्ट साइड होवर कैन डू इन देयर कंफर्टेबल वे। धीरे धीरे करेंगे, जितना धीरे करेंगे उसका इफेक्ट उतना बढ़िया होगा। एंड जब आप हाफ जाएंगे तब इनहेल सांस को लेते हुए जाएंगे एंड आते हुए एक्सहेल सांस को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस के साथ करेंगे तो ये उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। धीरे धीरे करेंगे, हो सके तो प्लीज म्यूजिक प्ले कर दीजिए ताकि किसी को बोर फील ना हो और थोड़ा रिदम में बनी रहे। ओके अभी ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सेम थिंग द ऑपोजिट साइड। इनहेल एंड एक्सहेल 1, 2, इनहेल एंड एक्सहेल 3। धीरे करें, ज्यादा फास्ट ना करें। इनहेल एंड एक्सहेल 4, 5। अभी अपने मैट के मिडिल में आ जाएंगे, दोनों पैर को जोड़ लेंगे एक साथ। आपके पैर में कोई गैप नहीं होनी चाहिए, दोनों फीट आपके साथ रहेंगे और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करेंगे। बैक एंड फॉरवर्ड, जब आप सामने आएंगे वही सेम रहेगा। आपकी मिडिल बैक से आप बीच नहीं करेंगे, बेंडिंग करेंगे। आपके लोअर बैक हिप जॉइंट से आप बेंड करेंगे एंड योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट और ट्राई टू टच योर फोरहेड एंड फिल विद योर नेल स्पाइन एंड प्लेस योर बोथ पाम्स बिसाइड ऑफ योर फीट। धीरे करेंगे, ज्यादा जोर से नहीं करेंगे। बैक एंड जेल फॉरवर्ड, धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, रिलीज। थोड़ा सा समस्थिति में आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, वाइब्रेशन को फील करेंगे जो अपने प्रीवियस मूवमेंट की है। अभी हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे, शोल्डर रोटेशन। तो अपनी पैर को एक फीट गैप में रख सकते और अपनी जो हथेली है दोनों हथेली को शोल्डर के ऊपर रखेंगे और धीरे से इनहेल करते हुए अपने एल्बो को फ्रंट में टच करेंगे एंड बड़ा सा गोला बनाएंगे। एक्सहेल
और एक्सहेल करते हुए शोल्डर को पीछे मूव करेंगे. While coming, fall, take a deep breath, inhale. While going back side, exhale deeply. Continue this till 10, 4, 5. सिर्फ हाथ को ही नहीं भरना है, मूव ही नहीं करना है, बल्कि एक एक पार्ट जहां पे आपके स्ट्रेचिंग इफेक्ट पड़ रहा है उसको महसूस भी करना है. तो अगर आपको 50% बेनिफिट मिल रहा है तो 100% बेनिफिट मिलने के चांसेस है. नाउ एंटी क्लॉकवाइज उल्टा रोटेशन कर लेंगे. 1, इनहेल एंड एक्सहेल. 2, जितना धीरे करेंगे, जितना आराम से करेंगे आपको बेनिफिट उतना मिलेगा. 3, 4, धीरे करने का एक और बेनिफिट है कि आपको एक एक पार्ट में स्ट्रेचिंग इफेक्ट मिलेगा और जो बहुत टाइम बाद मूव कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन फिर भी उनकी जो एनर्जी उसमें लैग कर रही है, स्टक किया हुआ है, वो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है. इसलिए हमारी जो जॉइंट्स में थोड़ी सी पेन होती है जब हम कुछ भी मूवमेंट कॉन्शियसली करते हैं. ओके, नाउ प्लेस योर बोथ हैंड्स बिसाइड ऑफ योर बैले अगेन. लेफ्ट साइड से नेक रोटेशन करेंगे, फुल नेक रोटेशन करेंगे. इनहेल हाफ and exhale full, 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Inhale and exhale, circle, same. 4, 5. Now we'll go for anti-clockwise. Ulti side se bhi karna zaruri hai. 2, exhale 3, exhale 4, exhale 5. Now take your chin up and down. While coming down, try to touch your chin with your chest and upper chest. That's clavicle. तो अपने अपर चेस्ट में दो हड्डी है क्लेविकल, उसमें टच करने की कोशिश करेंगे. पूरा आप स्ट्रेच फील कर सकते हैं आपकी अपर नेक से सर्वाइकल रीजन से, यहाँ से आपको पूरा स्ट्रेचिंग इफेक्ट मिलता है. अप एंड डाउन. नाउ साइड वाइज side, exhale front, left and exhale front. Continue cutting it. अब हाथ को सामने ले लेंगे और अपने जो उंगलियां हैं उसको सिकोड़ेंगे और छोड़ेंगे. Contract and release. Inhale, contract and exhale, release. ऐसे करते हैं, 10 बार कर लेंगे. अब थोड़ा wrist rotation कर लेंगे, अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना लेंगे, या तो ब्रह्म मुद्रा में भी ले सकते हैं, इसको ब्रह्म मुद्रा कहते हैं. बहुत हेल्पफुल होता है पेन के लिए. क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार. अभी थोड़ा सा हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे हाथ से. अब हाथ को
से बैक में लेंगे, लेफ्ट हैंड को फोल्ड करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड के एल्बो को राइट हैंड से स्ट्रेच पकड़ के खींचेंगे जितना हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे आर्म स्ट्रेचिंग, जिनको फ्रोजन शोल्डर वगैरह का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये तो हम किसी भी आसन या योग सेशन से पहले लूजिंग एक्सरसाइज में इंक्लूड करते ही हैं। बाकी घर में जो बैठे 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 जिनको पेन होती है या फिर टीवी देखते देखते या फिर जिनको सिटिंग वर्क होती है तो वो बीच बीच में ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका पेन नॉर्मलाइज होता रहे, इतना ना हो, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकते हैं इससे। और अपने दोनों हाथ को स्कैपुला में रख लेंगे और अपने मुंडी को सीधा रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, इससे एकदम 180 डिग्री स्ट्रेट होना चाहिए आपका। नाउ रिलीज, अब थोड़ा सा साइड मूवमेंट करेंगे, दोनों पैर को साथ में जोड़ लेंगे, इनहेल, रेज योर लेफ्ट हैंड अप एंड बेंड टुवर्ड्स योर राइट साइड, अपनी राइट हैंड को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, ट्राई टू टच योर आर्म विथ योर ईयर्स, अपने बाजू को अपने कान से टच करने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, एक्सहेल, कम टू द सेंटर, अगेन गो फॉर द ऑपोजिट साइड, होल्ड फॉर अ व्हाइल 5 सेकेंड, 5, 4, 3, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, जिनका एल्बो बेंड है अपने पे थोड़ा फोकस करें, एल्बो स्ट्रेट रहेगा और बाजू कान से टच रहेगा, एंड एक्सहेल कम टू द सेंटर। अभी ऑल्टरनेटिव करेंगे, इंस्ट्रक्शन को जितना हो सके अच्छे से फॉलो करें तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिकली कराया जाता है जो भी सेशन लेते हैं हम लोग। इनहेल एंड एक्सहेल कम टू द फ्रंट, इनहेल गो साइड, एक्सहेल टू द फ्रंट, ऑल्टरनेटिवली कर लेंगे, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा लेंगे। अपने हैंड्स को थोड़ा सा शेक कर लेंगे, फ्री कर लेंगे अपने बॉडी को, लेग्स को भी थोड़ा सा शेक कर लेंगे। अब अभी फिर से एक बार नी रोटेशन करेंगे, खड़े होके अपने दोनों हाथों से नीचे ऊपर को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, लूजिंग सूर्य नमस्कार, और जितने भी हम फुल बॉडी मूवमेंट करते हैं उसमें हमारे फुल बॉडी एक एक टिश्यू, एक एक मसल्स, एक एक सेल्स में इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमारे एक एक सेल्स, मसल्स एंड टिश्यूज से हम डेली वर्क करें तो हमें ऑलमोस्ट 0% बीमारी की चांसेस रहती है। अगर हम अपने साथ ही साथ रूटीन या टाइम टेबल भी अच्छे से फॉलो करें, खाना पीना सही से करें तो। नाउ गो फॉर एंटी क्लॉक वाइज, डायबिटीज सिर्फ पेट की बीमारी नहीं है या फिर सिर्फ पैनक्रियाज में एबनॉर्मल तभी नहीं आती है, सिर्फ जब हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन में इफेक्ट होता है, लेकिन पूरे बॉडी का ही इफेक्ट होता है, तो एक एक पार्ट में वर्क करना इम्पोर्टेंट है। अभी हम योगिक जॉगिंग के कुछ मूवमेंट्स कर लेंगे, जिनको टाइप 2 बीमारी होती है उनको ओबेसिटी बढ़ती है तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है स्पेशली, क्योंकि योगिक जॉगिंग में हम बहुत ज़्यादा एग्जॉशन करते हैं, बहुत ज़्यादा हम कैलोरी बर्न करते हैं, तो लेट्स गो फॉर दैट। पहले तो हम योगिक जॉगिंग का पहला वाला करेंगे, स्टेप बाई स्टेप नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, सारा नहीं करेंगे,
कमर में हाथ रख लेंगे, अपने पैर को सामने स्ट्रेच करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल के साथ ही करेंगे। और जो थोड़ा कंफर्टेबली कर सकते हैं वो जंप करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको जैसा कंफर्टेबल हो। अभी हाथों को स्ट्रेच करते हुए पैर को अपनी जो हील्स को अपने हिप में टच करेंगे, जितना हो सके उतना फोर्सफुली करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। अभी जंपिंग जैक्स करेंगे साइड में, ऐसे कर लेंगे जैसे हम पीटी एक्सरसाइज नहीं करते वैसे। जाते टाइम इनहेल एंड एक्सहेल, जो जल्दी नहीं कर सकते वो धीरे भी कर सकते, 1 2 3 4 इस वे में भी कर सकते, और जो जल्दी कर सकते जल्दी जल्दी वो कंटिन्यू पीटी मूवमेंट करें। अभी दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल में ले लेंगे और अपनी लोअर बैक से फ्रंट बेंड होंगे, हाफ फ्रंट 90 डिग्री। वहां से अल्टरनेट साइड मूवमेंट करेंगे ऐसे, इन्हेल एंड एक्सहेल के साथ करेंगे। जिनको कमर की दिक्कत है, जिनको बैक प्रॉब्लम है, वो फ्रंट बेंडिंग ना करें। जिनको सर्वाइकल है वो फिर भी सुपरविजन में कर सकते हैं, और जिनको लंबा प्रॉब्लम है, साइटिका है, वो इसको ना करें। बाकी जो नॉर्मल स्थिति में है, हेल्दी है, वो कर सकते हैं। Release and relax. Relax for a while in Samasthiti, standing position, Shitali Tadasana. थोड़ा सा relax करने के बाद हम Tadasana का practice करेंगे। स्ट्रेच करेंगे, बैलेंसिंग स्ट्रेचिंग, सिक्योर बोथ पाम एंड फ्रॉम द साइड, दोनों हाथ को ऊपर ले लेंगे, इंटरलॉक करेंगे अपनी उंगलियों को और धीरे से ऊपर जाएंगे। एंड अपनी दोनों बाजुएं अपने कानों से टच होनी चाहिए, इसका ख्याल रखें, और दोनों पैर एक दूसरे के समान होनी चाहिए। 10 सेकेंड मिनिमम होल्ड करें, ये स्ट्रेचिंग के लिए भी अच्छा है, बैलेंसिंग के लिए भी अच्छा है। फुल बॉडी आप काफ मसल से, हिप मसल से, पूरा थाई मसल से आप स्ट्रेच को फील कर सकते हैं, इवन की बैक मसल, सारे जितने भी हमारे लोअर लिम अपर लिम के मसल से सारे स्ट्रेच होते हैं इससे। स्ट्रेचिंग इज वेरी गुड फॉर एनी काइंड ऑफ इम्यूनल डिजीज और डायबिटीज मेलाइटस
और जिनको लीवर प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का ऑर्गेनल प्रॉब्लम है, सबके लिए बेनिफिशियल है. नाउ आफ्टर दैट रिलीज द पोजिशन समस्त. Back for a while. Take a deep breath, inhale and exhale. Feel the vibration of each and every effective stretch in your body. अभी हम दो चार variations का practice कर लेंगे, उत्कट आसन में आ जाएंगे. उत्कट आसन में आएंगे, हाथ को ऊपर कर लेंगे. हम कुछ उत्कटासन के वेरिएशंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. इसमें थोड़ा सा होल्ड करें, उत्कटासन में जितना हो सके नी को बेंड करें, होल्ड करें. जिनको घुटने का प्रॉब्लम है वो इसको ना करें, होल्ड ना करें, वो नॉर्मल ऊपर नीचे ये वाला कर सकते हैं. पर जिनको अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो इसको होल्ड के साथ ना करें, नॉर्मल हल्का मूवमेंट के साथ अप एंड डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं. और जो नॉर्मल है, जिनका हेल्थ कंडीशन एकदम फिट है, नॉर्मल है, वो इस वेरिएशंस के प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं. इसके साथ राइट बेंड करेंगे, राइट बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड. फील द स्ट्रेचिंग मूवमेंट, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेल्विस एंड बैक ऑफ द हिप जॉइंट, लोअर हिप जॉइंट, लोअर बैक. नाउ कम टू द सेंटर, गो फॉर द ऑपोजिट साइड, सेम. होल्ड फॉर अ व्हाइल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. फ्रंट अब दोनों हाथों को ऐसे ले लेंगे, कैच करेंगे अपने दोनों स्कैपुला को, फिर से उत्कटासन में आएंगे और जितना हो सके बैक मूवमेंट करेंगे. जितने भी ट्विस्टिंग है वो ऑब्वियसली हमारे जितने भी ऑर्गेनल प्रॉब्लम है उसके लिए बेनिफिशियल है. होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड के लिए, सांस को भरते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे आएंगे, पीछे आएंगे, आगे आएंगे, फिर से पीछे आएंगे, आगे आएंगे, पीछे, फिर आगे. रिलीज द हैंड. अब फिर से इसी पोजीशन में उत्कटासन में आएंगे, हाफ लोअर बैक से फ्रंट बेंड करेंगे. लेकिन जिनको लंबागो साइटिका लोअर बैक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो इसको ना करें, क्योंकि आगे झुकना, झुकने से दिक्कत बढ़ सकती है. पोजीशन में थोड़ी देर होल्ड कर ले, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release and relax. जिनके आसपास वॉल है वो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल कर सकते हैं वो नॉर्मली करें. अपने दोनों टो को ऊपर करें, हील्स अप रहेगी, टो टच रहेगी जमीन से. और इन एंड एक्सहेल. बहुत अच्छा है नी को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेंथन अप करने के लिए. और जो बैलेंस नहीं कर सकते वो दीवार के सहारे भी कर सकते, सिर्फ हिप टच रहेगी दीवार से, बैक टच नहीं रहेगा. बैक शुड बी अवे फ्रॉम द वॉल लिटिल बिट ओनली, योर हिप शुड बी टच वाइल गोइंग डाउन, सिर्फ नॉर्मल सपोर्ट के लिए. अब ऊपर साइड थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे इस पोजीशन में, उत्कटासन में. 2, 3, हिल ऊपर रहेगा,
4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Release and relax. थोड़ी देर के लिए शीतल ताड़ासन में रिलैक्स कर लेंगे. अब इसके बाद हम सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस करेंगे. सूर्य नमस्कार क्यों करेंगे आज के दिन भी, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस जैसे कि जानते हैं ऑर्गेनल प्रॉब्लम है, तो पूरी बॉडी का ध्यान रखना जरूरी है. सारे बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा और सूर्य नमस्कार में हमारे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पे फोकस किया जाता है. उसके सारे बॉडी पार्ट में स्ट्रेचिंग इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ उसको हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रिवेंट करने में क्षमता प्रदान करता है. इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस पावर को भी मेंटेन रखता है. तो हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सूर्य नमस्कार करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल, कम टू द नमस्कार. इनहेल, बेंड बैक द लोअर बैक, यू हैव टू बी बेंड, मध्य बीच में से बेंड नहीं होना है. हस्तोत्तानासना, एक्सहेल पादहस्तासना. इनहेल अष्टसिंहासना, लेफ्ट लेग बैक. एक्सहेल पर्वतासना. इनहेल एंड एक्सहेल अष्टांग नमस्कार. इनहेल Exhale. नमस्कार. थोड़ा सा ब्रीदिंग के साथ करेंगे एंड काउंटिंग के साथ करेंगे, चार राउंड करेंगे. उसके बाद थोड़ा सा अगर हो सके तो इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे. वन, टू, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ट्वेल्व, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व. थोड़ा सा कुछ देर रिलैक्स कर लेंगे, फिर हम थोड़ी सी तेज रफ्तार के साथ करेंगे सूर्य नमस्कार की अभ्यास. जल्दी ताड़ासन में आ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए,
प्रीवियस सूर्य नमस्कार के वाइब्रेशन को फील कीजिए अपने पूरे एक एक अंग में, एक एक बॉडी पार्ट्स में। आंखों को बंद कर लेंगे, ब्रीथ को नॉर्मलाइज करेंगे। कुछ क्षण के लिए जस्ट फील योर ब्रीथ, सांस को महसूस करेंगे। फिर तीन राउंड हम थोड़ा फास्ट करेंगे, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे सूर्य नमस्कार फास्ट राउंड के लिए। फिर हम जाएंगे, सभी अपने अपने मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। फास्ट राउंड के बाद शवासन में आ जाएंगे, सभी अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। किसी भी फास्ट मूवमेंट के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन करना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कंटिन्यू करेंगे कभी कभार बॉडी नहीं ले पाता है, डिफीट करते हैं। तो टाइम टाइम पे ब्रेक करके रिलैक्स कर करके हम आगे का अभ्यास करें तो सामंजस्य और बैलेंस बना रहता है एक एक आसनों में। रिलैक्स करेंगे अपने सांस को, फील करेंगे धीरे, आंखों को बंद कर लेंगे। मृत इंसान के भांति लेटेंगे, अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, अपने एक एक अंगों में जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है सूर्य नमस्कार से, बाकी सारे आसनों से फील कर लेंगे जिसमें भी हमने मूवमेंट्स किए हैं। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने बिग टो के पास ले जाए, एंकल जॉइंट में ले जाए, फीट में ले जाए। Shift your mind towards the calf muscle of left calf muscle, right calf muscle, front of your knee, left knee, right knee, now back of your left thigh muscle, right thigh muscle, front of your left thigh muscle, front of your right thigh muscle. Shift your mind towards the right side of your pelvis, left side of your pelvis. Come to the lower abdomen. Just feel each and every circulation vibration over the place, over the
parts where I'm speaking to you that you feel each and every moment. अपने ध्यान को नाभि की ओर ले जाएंगे. Shift your mind towards the lower back, hip joint, middle of the hip joint, right side of the hip joint, left side of the hip joint, middle of the back, right side of the back, middle, left side of the middle back. Now shift your mind towards the upper back of the left side, right side of the upper back. Focus on your each and every part of the vertebral column. फिर मेरुदंड के भागों को महसूस करेंगे. Shift your mind towards the right joint of your shoulder. Left joint of your shoulder, your upper cervical, middle cervical, your neck. Now shift your mind towards the frontal throat. Now shift your mind towards the left arm. Now right arm. Left elbow joint, right elbow joint, left hand, right hand, left hand fingers, carpals, right hand fingers, हथेलियों पे ध्यान लगाएंगे. अभी अपने ध्यान एकाग्रित करेंगे अपने पेट की ओर, नाभि के ऊपर. राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, मिडल ऑफ द लोअर चेस्ट, स्टर्नम, left side of the sternum, left side of the middle chest, right side of the middle chest, upper middle chest, clavicle, right side of the upper middle chest, left side of the upper middle chest, okay, right side of the ear. Left side of the ear, chin, left cheek, right cheek, lips, nose, left eye, right eye, your forehead, your upper head, your back lobe, back head. Now try to contract your full body, contract. Each and every muscle should be contract. How much as possible, contract. While contracting, your body will be shiver, but thoda sa vibrate karega, but contract kare. Release, exhale and release. अभी हम कुछ आसनों का प्रैक्टिस कर लेंगे. ये डीप रिलैक्सेशन टेक्निक था जो कि अपने हाइपरटेंशन जिनको होता है या फिर नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज वालों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मोटापा बढ़ने के कारण उनके बीपी में भी चेंजेस आते हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं.
उनके लिए ये डीप रिलैक्सेशन टेक्निक भी बहुत बेनिफिशियल है, और जिनको अदर प्रॉब्लम्स भी है लाइक इंसोम्निया, जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है, जिनको कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अधिकतर प्रॉब्लम्स के लिए डीप रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत बेनिफिशियल है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का तो नाम ही पवन मुक्त है, तो सारे हवाओं से मुक्त करके जितने भी टॉक्सिक एयर है उससे मुक्त कर देता है। तो हम पहले अल्टरनेट लेग कैच करेंगे, उसके बाद दोनों पैरों से करेंगे। इसमें पहले राइट लेग को अपने चेस्ट के पास ले लेंगे, दोनों हथेली को दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे ऐसे, और अपने हेड या चिन टच करने की कोशिश करेंगे, होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड, टू थ्री, वाइल कमिंग फ्रंट ट्राई टू बी नेल एंड रिलीज, एक्सहेल, गो फॉर द ऑपोजिट साइड, कैच इन द सेम वे ऑफ योर नी, रेज योर अपर बॉडी अप, ट्राई टू टच योर forehead or chin, hold for a while, breathe normal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, breathe, alternatively practice karenge, ye diabetes ke liye bahut hi acha hai, hum front bend kar rahe hain, hamare pet ke movement ho rahe hain, किस ऑर्गन्स जो हमारे पेट में है वो स्टमक में हमारे एब्डोमेन रीजन में कैरी करता है, वैरी करता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, जितने भी जिनको कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अच्छा है, ओबेसिटी वालों के लिए भी अच्छा है, सर्दी एंड डायबिटीज वालों के लिए तो अच्छा है ही है। अभी दोनों पैर को 90 डिग्री उठाएंगे और बेंड कर लेंगे नी को, और जैसे एक बच्चे को हग करते हैं वैसे हग कर लेंगे इस तरीके से, और पवन मुक्त हो जाएंगे। अब हग करके सामने पीछे जैसे अपनी स्पाइन को मसाज करते हैं वैसे करेंगे, थोड़ा सा म्यूजिक ऑन कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? हेलो, यस यू आर ऑडिबल। हो सके तो थोड़ा प्यारा से धुन बजा दीजिए ताकि क्लास बोर ना हो। स्पाइन में जो मसाजिंग मूवमेंट है उसको फील कीजिए। अभी साइड वाइज मूवमेंट करेंगे, ये बहुत ही अच्छा है डायबिटीज के लिए एज वेल एज कि पूरे बॉडी स्पेशली स्पाइनल मसाज हो जाता है। आपको किसी की बिना मदद ये बिना हेल्प के आप खुद का मसाज खुद कर सकते हैं। किसी को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होती है, पेन होती है, क्रैम्प होती है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी रिलीज कर लेंगे पैरों को और थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड के लिए वाइब्रेशन को फील करेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे उत्तान पादासन के लिए। 90 डिग्री लेग्स अप, अपने दोनों हथेली को थाई के साइड में रख लेंगे और अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे साथ में, और हो सके तो थोड़ा सा हाथ को थाई के नीचे रख सकते हैं और पैरों को 90 डिग्री ऊपर कर लेंगे और नीचे करेंगे अल्टरनेटिव, 1, 2, 3, 4। ये बहुत ही अच्छा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए, हम
डायबिटीज मेलिटस के लिए हर चीज के लिए जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गेनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हर चीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जिनको नहीं भी है प्रॉब्लम वो भी इस अभ्यास का प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि उनके प्रिवेंशन में काम आता है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स फॉर अ वाइल। नाउ रेज योर राइट लेग अप एंड टेक योर राइट लेग टुवर्ड्स, हाथों को खोल लेंगे पहले और राइट लेग को साइड में मूव करेंगे और अपना जो अपर लिंब है बॉडी का अपनी जो गर्दन है उल्टी साइड रहेगी अपोजिट साइड। मरकट आसन भी बहुत अच्छा होता है साइड की ऑर्गेनल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। घुटने टच रहेंगे जमीन से, स्ट्रेच आप लोअर बैक से फील कर सकते हैं, एब्डोमेन से फील कर सकते हैं, अपर बैक, अपर नेक, पूरी स्ट्रेचिंग इफेक्ट को फील कर सकते हैं। आंखों को बंद करके करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट भी मिलेगी साथ ही साथ जो आपके थॉट प्रोसेस है उससे इंफ्लुएंस आपकी कॉन्शियसनेस आपके बॉडी मूवमेंट से सांस प्रश्वास में। Leg up, down. Take your left leg up, same. Place it on your right side and both hands should be open to your shoulder level and your upper limb or your upper body should be twist to the opposite side. Hold in this position for a while. जो लेग स्ट्रेट है उस नी को भी स्ट्रेट रखें और जो नी बेंड है उसको अच्छे से बेंड रखें, पूरा स्ट्रेच फील करें, रेज योर लेग अप एंड रिलैक्स द स्टमक। थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव मूवमेंट करेंगे, टू थ्री फोर six, seven, eight, ten. अब try करेंगे left leg को right hand से touch करें, I mean catch करें और both legs should be 90 degree angle. Feel a full stretch from the side of the lower back, pelvic region, abdominal region. Hold for a few seconds. Feel each and every stretching effect. Feel your own inner vibration. Feel your inner breath. Release. Go for the opposite side in the same position. Hold for a while. Feel the each and every stretching effect of the same part but with the opposite side of the body. Hold for a while. Feel your inner breath. Feel your conscious. Feel your each and every part stretching effect on the body. Release your leg. Relax for a while. करेंगे हम सेतु बंधासन, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे घुटनों के बल और एंकल जॉइंट्स को पकड़ेंगे दोनों हाथों से और फोल्ड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने बॉडी को
और ये जो हेड है उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे या फिर स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और अब से कोने जो एल्बो जॉइंट है उसको बॉडी के नीचे ले लेंगे और धीरे से अपने लोअर बॉडी को हिप रीजन को ऊपर ले जाएंगे। आपके चिन और चेस्ट एक दूसरे से टच होने चाहिए। होल्डिंग दिस पोजिशन फॉर अ वाइल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now release the position. Now try to do the alternative movement. This position. One inhale, exhale down, inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, and 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 exhale down. Inhale up. And exhale down, inhale up, and exhale down, inhale up, and exhale down. Release your leg. अभी हम सीधा नौकासन का प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, हाथों को ऊपर ले आएंगे और इनहेल एंड एक्सहेल के साथ पैर और हाथ दोनों को इस मूवमेंट में ले लेंगे नौका के भांति। और जो है तो वो अपने इस नीज के बैक को भी पकड़ सकते हैं ऐसे, नहीं तो अगर जो इसमें बैलेंस कर सकते हैं इसमें करेंगे। सेल एंड रिलीज। अब हम सुप्त चक्रासन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। जो चक्रासन कर सकते वो कर लें, जो बिगिनर लेवल का चक्रासन होता है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जितने भी बैक बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग बताए जा रहे हैं सभी आप डेली प्रैक्टिस करें तो आपको बीमारी होगी ही नहीं, बल्कि आप सुरक्षित रहेंगे, सारी बीमारियों से वंचित रहेंगे। बाकी जिनको है वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चक्कर आए या जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इस आसन को प्रैक्टिस ना करें। बाकी जिनको सिर्फ डायबिटीज है या जो और नॉर्मल कंडीशन में वो इस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले समस्थिति में आ जाएंगे शवासन में। अपने दोनों हथेलियों को साइड में रख लेंगे। Arms should be touch to the floor, legs together, both legs joined together and bend your knee joint. Ab haath ko ulta kar lenge. Place your both palms beside of your ear, parallel to your ear and elbow ko bend kar lenge. Dheere se apne big toe pe pressure karke apne hip and upper body ko upar le jayenge. Dheere se चक्रासन में होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 धीरे से बॉडी को खींचेंगे। इंहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। जिनको नी में जिनको रिस्ट में प्रॉब्लम है, रिस्ट में दिक्कत है, वो भी इसको प्रैक्टिस ना करें क्योंकि
उनको दिक्कत बढ़ जाने की संभावना होती है। तो ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिस हालत में आपको नहीं करनी है। और मेंस्ट्रुअल कंडीशन, प्रेगनेंसी कंडीशन, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जो बहुत सालों से योग का अभ्यास करते हैं वो किसी स्पेशलाइज पेशेंट की सुपरविजन में डॉक्टर की कंसल्टेशन से कर सकते हैं उनके हिसाब से। बाकी इस कंडीशन में इस आसन को, बाकी जो भी स्ट्रेनफुल स्ट्रेसफुल आसन है उसको अभ्यास ना करें। बाकी जो फिट है वो किसी भी हालत में किसी भी आसन को कर सकते हैं। अभी लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाते हुए राइट नी को बेंड करते हुए अपोजिट साइड में उल्टा ले जाएंगे पेट के बल, मकरासन में आ जाएंगे। अभी हम धनुरासन का प्रैक्टिस करेंगे बिगिनर लेवल। ये भी डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है, जिनको डाइजेशन का, इंडाइजेशन का, कॉन्स्टिपेशन का, जितने भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दोनों पैर को एक फिट गैप रखेंगे थाइस के बीच में, अपनी नी को फोल्ड कर लेंगे और हाथ को अपने हाथों से एक करके अपने एंकल्स को पकड़ेंगे और धीरे से फर्स्ट एंड थाइस को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। मकरासन में रिलैक्स करेंगे। इवन ये सिर्फ पेट के प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, डायबिटीज के लिए नहीं, सिर्फ जिनमें भी बैक का भी प्रॉब्लम है उसमें भी इक्वली लाभदायक होता है। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है, लंबागो का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। पर जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें। अभी दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे रख लेंगे और शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। शुड बी टच टू द मैट, raise your thigh up and place your both hands under your thigh। या तो आप मुष्ठी भी बना सकते हैं ब्रह्म मुद्रा में, हाथों को अंदर रख सकते हैं ऐसे करके भी पैर को ऊपर कर सकते हैं। hold for a while, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 release and relax। Come to the Makrasana. हम सर्पासन का प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथ अपने चेस्ट के बाजू में रखेंगे और सिर्फ अपर चेस्ट को ऊपर करेंगे और हाथ को ऊपर करेंगे। आपका एब्डोमेन पूरा टच रहेगा, आपका लेग्स रिलैक्स रहेगा, फ्लैट रहेगा। होल्ड फॉर अ व्हाइल, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। Thank you.
place your both palms beside of your upper chest again. Your elbow should be touched to your chest. आपकी छाती से टच रहेगा आपके दोनों कोने और धीरे से अपने एब्डोमेन तक बेंड करेंगे जाएंगे उबड़ा पोस्चर में आ जाएंगे होल्ड दिस पोजीशन फॉर अ व्हाइल ब्रीथ नॉर्मल कोने थोड़ी सी बेंड रहेगी और दोनों हथेलियां बैलेंस करेगी आपकी बॉडी को उसके इस पोजीशन में 5, 4 दोनों पैर एक दूसरे Come down, release and relax. Makrasana, you should be relaxed. Relax, feel the vibration of your inner body, your inner soul, your inner peace. Each and every effect you get by the moment. Breathe in the yogic style, sitting position mein aa jayenge. Kneeling position mein aa jayenge. Kuch kneeling asanas kar lenge. ओलंपिया जी आपको नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में रैप अप करने की प्लान कीजिएगा अभी ब्रह्म मुद्रा में आ जाएंगे हाथ को ब्रह्म मुद्रा में आएंगे और हाथ के सीधा रखते हुए पेट को प्रेशर करते हुए सामने की तरह झुक जाएंगे वज्रासन में आएंगे और ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द ग्राउंड होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड सांस को नॉर्मल रखेंगे सारे आसना डायबिटीज के लिए कराए जा रहे हैं रिलीज उच्चासन के लिए तैयार हो जाएंगे अपने पैर को एक फीट की गैप में रखेंगे और लिविंग पोजीशन में आ जाएंगे एक एक करके हाथ को पीछे ले जाएंगे और अपने एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे और बेंड बैक बहुत ही अच्छा है अपने बैक मसल वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन को भी स्ट्रेंथन अप करने के लिए एज वेल एज अपने ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथन अप करने के लिए पर जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो ना करे इसका अभ्यास ना करे जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है वो भी ना करे बाकी जो फिट है वो तो कर ली समा वन बाय वन एंड शशांक आसन रिलैक्स करेंगे
आ जाएंगे ऊपर, दो सिटिंग आसना कर लेंगे, अपने पैर को फैला लेंगे अपने दोनों साइड से, जितना हो सके जो जितना फैला सके, प्रेस देने की जरूरत नहीं है। हाथों को साइड में ले जाके टॉन बेंड भी कीजिए, चेस्ट को टच कीजिए, हनुमानासन सेम एंड चेस्ट शुड बी टच टू द ग्राउंड, हैंड शुड बी टच टू योर एंकल like this, feel the stretch from the thigh, आपके lower back से आप bend करेंगे, now come to the normal position, अभी थोड़ा सा तितली आसन का अभ्यास कर लेंगे, butterfly posture, ये तो किसी भी female disorder, PCOD या फिर reproductive related problem है, उनसे आप उनके लिए बहुत ही अच्छा आसना है, अदरवाइज ये तो किसी भी हालत में कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन आल्सो कैन बी प्रैक्टिस दिस। ऑन सेंड करेंगे अपने फोरहेड से विक्टो को टच करेंगे, कर लेंगे, लोअर बैक से बेंड करेंगे, मिडिल बैक से नहीं करेंगे, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट ऑलवेज। पैर को आगे करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, अभी ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे, जिसको जैसा सही लगे, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, बेहतर रहेगा कि आप लोटस पोजिशन में ही आए, पद्मासन, इसको कमलासन भी बोलते हैं हस्पति पिता के अनुसार, कमल मतलब पद्म, मतलब जो कमल का फूल होता है उसकी भांति ये स्ट्रक्चर दिखती है ऊपर से, इसको कमलासन भी बोलते हैं। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा, चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पहले हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे, पांच बार ओम चैंटिंग, डीप ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल चैंट ओम,
थोड़ी देर ओम से फैलाने की वाइब्रेशन फील करेंगे अपने भी अंगों में. The vibration of the own standing on the pranayama you did before. पर जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, अवॉइड करें. अब कपालभाति प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे. ये क्रिया में भी आता है. लंबी गहरी सांस लेंगे और राइट या लेफ्ट हैंड को अपने अब्डोमेन के ऊपर रख लेंगे और जोर से सांस को छोड़ते हुए मिनिमम 20 और मैक्सिमम आप जितना हो सके 1 मिनट में जितना स्ट्रोक लगा सकते हैं उतना स्ट्रोक कर सकते हैं. अगर किसी को सिर में दर्द हो या किसी टाइप की रिजिडिटी फील हो तो धीमे करते इस अभ्यास का क्रिया या प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे करें, ज्यादा जोर से ना करें. बाकी जो फिट है जो कर सकते हैं जो रेगुलर अभ्यास करते हैं वो धीमी रफ्तार या जोर रफ्तार से भी कर सकते हैं. और प्राणायाम करते टाइम ध्यान रखिए कि आंख हमेशा बंद रहेगी, आंखों को खोल के नहीं रखना है. इसका महत्व बहुत अपूर्व है कि हम अपने सांस पर अच्छे से ध्यान दे पाए इसलिए आंखों को बंद रखते हैं. Position. Keep your eyes closed. हम नारी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे 10 टाइम alternate nostril breathing. नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे अपने राइट हैंड में और जो लेफ्ट से बिलोंग करते हैं लेफ्ट हैंड जिनके लिए कंफर्टेबल है वो लेफ्ट हैंड का भी प्रयोग कर सकते हैं. ऑपोजिट हैंड आपका चिनिया ध्यान मुद्रा में रहेगा. एंड Press your right nostril to breathe from the left. Inhale from the left and press your left nostril and exhale from the right nostril. And again, take a deep breath from the right nostril and press your right nostril. Use your breath from the left nostril. Do this for 10 rounds. The one round from left, right, right, left, like that.
धीरे सांस लेंगे और जितनी धीरे छोड़ेंगे उतना ही लाभ आएगा। After practicing for 10 rounds, release your hand in Chul Mudra Dhyanmukha. Keep your eyes closed, feel the vibration of the practice of Anulom Vilom Pranayama, alternate nostril breathing. अभी भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपने स्मॉल बोन ऑफ द ईयर जो होती है सफेद उसको प्रेस करते हुए क्लोज करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी जो टंग है जीवा है उसको खिचड़ी मुद्रा में ला लेंगे और खिचड़ी मुद्रा बनाने के लिए जो टंग है वो ऊपरी जंगा से टच होगी, ऊपर अपर जंग से टच होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे और मकर चैंटिंग करते हुए सांस को छोड़ेंगे। The practice of 5 or 6 rounds, release your hands, keep your eyes closed, feel the vibration of the Brahmari Pranayama, the chanting of Makara. Abhi, ek bar Aau Uar Makka Charan karenge, Akara Ukara Makara chanting, ek bar karenge, ek saath, lambi hai saans bharenge. लास्ट प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, उसके साथ हम सेशन का एंड करेंगे, आज के सप्ताह का समापन करेंगे। उसको सोहम भी बोलते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल में मुष्टि बना लीजिए ब्रह्म मुद्रा और इनहेल करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने छाती तक सांस को भरेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे और सांस को जोर से फोर्सफुली छोड़ते हुए हाथ को फिर से ब्रह्म मुद्रा में लाएंगे अपने शोल्डर लेवल तक।
इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे. रिलैक्स करेंगे, सांसों को महसूस करेंगे, वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, अपने अंतरात्मा का पार कर लेंगे और हल्के से सांस का नियंत्रित बनाए रखें. आंखों को यहीं बंद रख के अब हम वेद मंत्र शांति मंत्र के साथ आज के सेशन का समापन करेंगे. ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, ऋषदयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति देव शांति, श्यामा शांति देहि. पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ पूर्णमेवाय वशिष्यते. ॐ सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. नाउ पुट योर पाम्स टुगेदर. रब योर पाम्स. सत्य के पक्ष से घर्षण कर लेंगे. तेल के लिए इसे अच्छी सी गर्माहट लगा लेंगे और हथेली को आंखों के ऊपर रखेंगे और गर्माहट को महसूस करेंगे. अपने पूरे चेहरे को मसाज करेंगे, अपने थ्रोट को, अपने एब्डोमेन, अपने थाइस, अपने बैक, मसाज करेंगे अपने आर्म और हाथों को पीछे लेते हुए इंटरलॉक करते हुए सामने झुक जाएंगे. फोरहेड को हाथ में टच करते हुए जमीन में से थैंक्स टू द मदर अर्थ, गिव सो मच सपोर्ट टू डू योगा, क्रिएटेड अ लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव वाइब्रेशन. उसके हाथों को घर्षण करेंगे एक बार और चेस्ट लेवल में हाथों को रखते हुए धीरे से अच्छी से सुंदर से मुस्कुराहट के साथ आज के सेशन का एंड करेंगे. हथेली को देखते हुए नमस्ते. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. हैव अ प्लेजेंट डे अहेड. थैंक यू सो मच. शुभ दिनम. थैंक यू ओलंपिया मुखर्जी जी. आपको बहुत बहुत धन्यवाद युग चौतारी की तरफ से. और हम सब लोग जहाँ आपकी बताए हुए योग साधना के फॉलो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एंड नाउ आई टेक मोमेंट टू थैंक यू एवरीवन हु मेड दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल टुडे. जो व्यवस्थापन में बसर पछाड़ी सहयोग कर प्रोग्राम रन करना वहाँ संपूर्ण हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. अब को प्रोग्राम अगाडि बढाइदिनु हुन आदरणीय गुरु लवराज भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद बटुक सर. यहाँलाई धेरै धन्यवाद. ओलम्पिया मुखर्जीलाई पनि धन्यवाद. यहाँले सुन्दर क्लास गराउनु भयो र सानो उमेरको भए पनि ठुलो ठुलो उमेरकालाई पुरा आसनमा आज सुगरका आसन
डायबिटीज का आसनहरु गराएर कहीं पनि पेंक्रियाजमा कहीं पनि समस्या छ भने सबले आज आफ्नो आफ्नो पेंक्रियालाई निचोड्नु भयो है कहीं न ग्लुकोज कम छ न बढी छ आजको दिन संकल्प लिने पनि दिन हो कि सुगर डायबिटीज मधुमेह चिनी जसरी हाम्रो घरमा माया गरेर कसैले गुड्डू कसैले मुन्टु कसैले भुन्टु भनेर हाम्रो नाम राख्थे भने त्यसरी नै सुगरलाई पनि हाम्रो माया गरेर धेरै नाम राख्छ अब यो सुगरको धेरै नाम नराख्ने बेला सङ्कल्प लिने बेला पनि हो यो यो एउटा कुनै पनि दिवस र कुनै उत्सवहरू मनाइन्छन् भने त्यसमा हामी एउटा सङ्कल्प लिन्छौँ यहाँहरू यसको सङ्कल्पको पहिलो स्रोत हो यहाँहरू बसी बसिरहँदाखेरि कपालभाती गरिराख्नु कपालभाती सबैले गरिराख्नुहोस् कञ्चनपुरतिर त जाडो छ त्यहाँ कस्तो कस्तो छ हरि आचार्यजीको पनि सलोड्नु भएको छ काठमाडौँ मैले पनि उठाएको छु है गर्दा गर्दा तर जाडो भएको बेलामा लुगा पनि ओढिहाल्ने र बिहान योग अभ्यास हुने बेलामा बिउजेर चाहिँ योग अभ्यास गरिहाल्ने यो हाम्रो परम्परा संस्कारभित्र परिहाल्यो कुनै पनि बहानामा कुनै पनि त्यौहार भए पनि चाहिँ हामीले योग गर्नै पर्छ निर्मला रामदामजी जसरी सक्रिय भएर उहाँले छठ पूजाको दिनमा पनि नदीको घाटमै गएर पनि योग गर्नुहुन्छ त्यसरी पनि हामी सबैले चाहिँ निरन्तर रूपमा योगदान राख्नुपर्छ है तसर्थ हाम्रो पहिलो सङ्कल्प पनि भएको छ हामी एउटा विद्यार्थी पनि भएका छौँ योगको अभियन्ता यो बाटोमा हामी लागेका छौँ यो बाटोमा लागिरहेको हुनाले पनि हामी देशभरिबाट मात्रै नभएर विदेशतिरबाट पनि बटुकजी पनि विदेशै भन्नुभयो प्रतिभालाई पनि उतै लैजानुभयो है अब ओलम्पिया मुखर्जी पनि अब कुन दिन विदेशै जान्छन् तै पनि हाम्रो लागि त विदेशै हुनुहुन्छ आप पश्चिम बङ्गालकै रहने वाले हो आपने पतंजलि यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया है और मास्टर से आप चेन्नई से कर रहे हो और आज चेन्नई से आपने नेपाल के और भारत से जुड़े हुए सभी लोगों को आज ने चीनी मीठो मीठो धेरै खुवाउने गर्छौँ हामीले उहाँले त्यो धेरै मीठो खाएको निकाल्ने कोसिस गर्नुभयो सभी लोगों ने चीनी खाई हुई थी उन सभी लोगों की चीनी निकाल दी गई और बता भी दिया गया है कि आज जो जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं वो दुबले पतले होते हैं और अभी तो योग चौतारी में अधिकतर लोग मोटे मोटे भी बैठे हुए हैं मगर उनको पक्का भी शुगर नहीं इसको मतलब पातलो मान्छेलाई शुगर हुन्छ भन्ने जरूरी पनि छैन पातलो मान्छेलाई पनि योग गरेर एक्सर्साइज गरेर आफ्नो खानपान दिनचर्या मिलाएर पनि उहाँहरूलाई सुगर नभएको हुन्छ तसर्थ यसको लक्षण पनि हो एक्कासी मोटो हड्डा कड्डा पहलवान देखिराख्ने देख्दाखेरि पनि देख्ने बोल्ने डर लाग्ने त्यस्ता पनि मोटा हुने भयो केही दिनपछि हेर्दाखेरि अब त हानिहालौँ जस्ता पनि भइरहेको छ पहिले चाहिँ देख्न डर लाग्ने केही दिनपछि हेर्दाखेरि त उनीहरू अब यसलाई त हान्न पनि सक्छु कि जस्तो लाग्ने यो अचानक भएको परिवर्तनमा सुगर पहिलो लक्षणमा मानिन्छ सुगर भएर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ भनेर भनिन्छ तसर्थ हामी सबैले सङ्ग यो अब त पक्कै पनि कपालभाती मन्डुगासन यो त पहिलो थिम हो यसको पहिलो यसको लागि पेङ्क्रियाजको एक्सर्साइज हुनुपर्छ भनेर हामी सबै जानिसकेका छौँ जानिकिसकेका छौँ जतिजना हामी यहाँ बसिरहेका छौँ अधिकांशले अरूलाई जनाउने बताउने प्रयत्न गर्छौँ यो हामीलाई स्वामीजी महाराजको ठुलो एउटा कृपा पनि बनेको छ उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका पनि छौँ यस्तो कुरा हामीले सबैले यस्ता कुराहरू हामीले सिकेका पनि छौँ र स्वामीजी महाराजले आजको दिनमा हामीले स्वामीजी महाराजबाट सानो एउटा टिप्स हामी तपाईँलाई भिडियो सन्देशको माध्यमबाट एउटा सानो उहाँले कुनै कुनै बेलामा बाइटहरूमा सुगरको बारेमा के भनेको थियो त हामी कपाल भातीको बेलामा एउटा त्यो बाइट राख्ने प्रयास गर्छौँ यहाँले त्यसलाई सुन्नुहुनेछ नमस्तेजी स्वामी रामदेव जी बात कर रहे हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ प्रणाम स्वामी जी प्रणाम प्रणाम स्वामी जी मैं मध्य प्रदेश विदिशा से बोल रहा हूँ जी कहिए मेरे पापा को डायबिटीज है पिछले 6 साल होते जी और डायबिटीज के कारण उनके हाथ पांव पैरालाइज हो गए हैं ओहो वो हाथ पैर में सुन्नपन बना रहता है तो स्वामी जी आप उपचार बताएं जरूर आपको उपचार बताते हैं आप सुनिए गौर से देखिए पहली बात तो यह है कि डायबिटीज के कारण से जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वह भी अपने आप में बहुत भयंकर पीड़ादायी होता है रूह कांप उठती है कई बार तो और
कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता, यह हालत हो जाती है। डायबिटीज़ के कारण से न्यूरोपैथी, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। डायबिटीज़ के कारण से गैंग्रीन, हाथ पैर काटने पड़ते हैं। डायबिटीज़ के कारण से नेफ्रोपैथी, किडनी फेलियर हो जाता है। रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी चली जाती है। 2% लोग तो अंधे ही हो जाते हैं, करीब 10% लोगों को आंखों की कोई ना कोई बड़ी समस्या, और छोटी मोटी प्रॉब्लम तो 80% लोगों को आंखों की होती होती है। बहुत खतरनाक है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस। लोग पहले गोली, फिर इंसुलिन, और उसके बाद फिर ये दवाओं की डोज बढ़ती चली जाती है। एक तो बाएं हाथ में ये डायबिटीज़ का पॉइंट है, ये छोटी उंगली के नीचे रेखा, उसके नीचे यहाँ से आप दबाएंगे तो आपको थोड़ा दर्द मिलेगा, इसको दबाइए। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम 15-15 मिनट से प्रारंभ करके आधा आधा घंटा तक करवाइए, बहुत जरूरी है। और आसनों में मंडूक आसन ही कर लें तो भी बहुत है, बाकी यदि हो सके तो शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि करेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। भुजंगासन आदि भी कर लिया तो पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए भी लाभ हो जाता है, स्पाइनल कोड भी अच्छी हो जाती है। तो बस कपाल भाती करने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, अनुलोम विलोम करने से जो है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस दूर होते हैं, मंडूकासन करने से पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक जूस है, इंसुलिन है, वो उचित मात्रा में वो शरीर में सीक्रेट होता रहता है और डायबिटीज़ नियंत्रित हो जाती है। इसके अलावा खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जामुन का सिरका, मधुनाशिनी और गिलोय घनवट्टी 2-2 गोली सुबह शाम, बस ये इतना उपाय कीजिए, डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस 100% दूर होंगे। खैर, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है, करोड़ों लोग इससे जूझ रहे होते हैं, उसके संदर्भ में हमने आपको बताया। वेयरिंग हामीले स्वामीजीको एउटा सानो भिडियो क्लिप हेऱ्यौँ, जसका माध्यमबाट हामीले थाहा पायौँ र स्वामीजीबाट पटक पटक सुनिरहन्छ सानो कुरा, सुगरको रोगको लागि रामबाण प्राणायामको बारेमा पनि जान्यौँ, आसनको बारेमा पनि जान्यौँ र हामीले एक्युप्रेसरहरू पनि कुन पोइन्टहरू दबाई राख्नुपर्छ भनेर पनि जान्यौँ। यति कुरा जानिसकेपछि अब हामीले निरन्तरता यसलाई दिइराख्नुपर्छ र कहीँ पनि सुगर रोग, यो डायबिटिजका रोगहरू, रोगीहरू कहीँ देखिए भने उहाँहरूलाई हामीले यति पनि टिप्स दिन सक्यौँ भनेपछि यो हाम्रो लागि आजको यो सुगर रोगको जो दिवस मनाइएको छ यसको सार्थकता हुनेछ, हामी पनि त्यसको एउटा अभियन्ता बन्न सक्नेछौँ र कहीँ पनि एउटा कामना गरौँ र हामी कहीँ पनि सुगर रोगका व्यक्तिहरू छन् भनेपछि उहाँहरूलाई कमसेकम आज योग टिचर भएको नाताले हामी एउटा अभियानको रूपमा लियौँ, कमसेकम 5 जनालाई हामी आफ्नो घर परिवार, इष्टमित्र, कहीँ पनि कोही सुगरको रोगको छन् कि भनेर आफ्नो परिवारमा पत्ता लगाऊँ, इष्टमित्र छरछिमेकमा, र उहाँहरूलाई कमसेकम पनि 5 जनालाई आजको दिनमा हामी उहाँलाई चाहिँ तपाईँलाई सुगर रोग छ भने यत्तिको प्राणायाम र आसन यत्तिको गरिदिनु होला भनेर उहाँलाई भन्यो। र यहाँलाई बाँकी घरेलु औषधिहरू हामीलाई जानकारी छ, होइन, काँक्रो, टमाटर, करेला, यस्तो यस्तो आइटमहरूको बारेमा धेरै चिजहरू हामी जानकार छौँ, बुझ्छौँ, किनकि हामी योग शिक्षक भएर अधिकांश योग चौतारी या हाम्रा अभियानहरूमा योग शिक्षकजीहरू बढी हुनुहुन्छ र साधकजीहरू पनि हुनुहुन्छ भने अहिले त सोसियल मिडियाको समय छ, होइन, युट्युब छ, गुगल छ, त्यहाँ गयो, किन फेसबुक त सबसँग छ, फेसबुक नभए त केही छैन, कसै कसैले के खुसिया छ भने मोबाइल भनेर त फेसबुकको लागि मात्रै हो कि जस्तो, बस हाई हेलो गर्ने यसो, अब त टिकटक पनि आइसक्यो, अब त भैँसीलाई दुध दुने बेला पनि टिकटक, है, रोटी पकाउने बेला पनि टिकटक, अब त जति घर घरमा हिरो, घर घरमा हिरोनी, होइन, टिकटकले सबलाई हिरोनी बनाइदियो, तसर्थ त्यो पनि ठिक छ, त्यो पनि जीवनमा आनन्द मनोरञ्जन पनि भइराख्नुपर्छ। र मैले भन्न खोजेको के हो भने मैले अधिकतर मोबाइलको व्यवसाय पनि मेरो छ, म अधिकतर भन्ने गर्छु मोबाइल किन्ने बेला मान्छे तपाईँले मोबाइल किन्ने कस्तो मोबाइल किन्ने भन्दाखेरि तपाईँले गर्ने के हो भन्नुहोस् त भन्दाखेरि 99.9 मान्छेले सिर्फ फेसबुकलाई मात्रै कल गर्ने र फेसबुकलाई मात्रै गर्छ, है,
यति का दुई चीज को लागि मात्रै मोबाइल किन्न खोज्छ मान्छे, त्यो भन्दा तेस्रो अप्सन मरे काटे दिँदैछ। कोही बच्चाहरू भए पनि अलिकति के पढ्नु हुन्थ्यो कि, बच्चा पनि पढ्न त कम भयो होला, त ग्याम रे ह्याङ त हुने होइन, यो मैले ग्याम खेल्नु छ। यस्तो परिवेश भएको हुनाले हामीले यसरी गतिविधि गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि हामी जरुर यो दिवसको रूपमा हामी सक्सेस हुनेछौँ। यहाँहरूलाई पनि जतिजना अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरूले सुगर डायबिटिजको रोगलाई कतिजनाले निको पार्नुभएको छ, हजुरहरू जो हुनुहुन्छ कसैलाई सुगर रोग थियो र मैले ठिक पारे भन्न को सक्नुहुन्छ, एक मिनटभित्र भन्नुहोस् त आफ्नो माइक खोलेर, कसैको सुगरको रोग थियो र ठिक पार्नुभयो। यहाँको माइक खुला छ, यहाँले आफ्नो माइक आफै खोलेर बोल्न सक्नुहुन्छ। यदुनन्दन भण्डारी सर, उहाँ ग्रामीण विकास बैङ्कमा हुनुहुन्छ सर है? हजुर गुरु, हजुर। मैले निर्मूलन त पार्न सकेको छैन, कन्ट्रोल पनि गरिरहेको छु विगत 4 वर्षदेखि मलाई सुगर थियो। म लगभग 2 वर्ष म योगामा लागेको छु, योगामा निरन्तर गरिरहेको छु र अहिले मलाई सुगर रोग कन्ट्रोल छ। गुड, धेरै धेरै धन्यवाद हाकिम साहब, प्रबन्धक हुनुहुन्छ। अर्को दामोदर, ओम गुरु ओम। मेरो निर्मूलै भएको छ सुगर चाहिँ, 300 निर्मूल पार्नुभएको थियो, निर्मूल छ अहिले छैन। कसरी पार्नु भयो? म योगासनबाटै गरेँ, सूर्य नमस्कार पनि लामो लामो जुन गरियो, यसले अझ राम्रोसँग घटायो। हामीले गत सालको सूर्य नमस्कारमा मेरो चाहिँ 130-138 हुन्थ्यो फास्टिङमा, त्यो पछि चाहिँ अझै घटेर 90-95 यस्तोमा आएको छ, अहिले पनि 90-88 यस्तो चाहिँ फास्टिङ र 118-119-120 चाहिँ पिपी। चमण्डुका गो यो बक्र आसन गौमुखा इत्यादि आसनहरू बढी गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। ल हजुरलाई धन्यवाद। ए दामोदर सरबाट थाहा पायौँ के गर्नुपर्छ भनेर सबैका लागि, यहाँहरू दुईजनाका लागि हामी ताली बजाएर सम्मान गरौँ। आजको दिन दुईजनालाई सम्मान गर्नु पायौँ हामीले पनि, दुईजनाले सुगर रोग निको पार्नुभएको छ योगमा लागेर। र अब हामी यति दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ होइन, बाँकी त ठिक छ, बाँकी त अधिक त रोगी हुनुहुन्न पनि, तर रोग त कसैले पाल्नु भएको छैन नि। अब योगमा भरत सर स्वागत छ। मलाई डायबिटिज भएको त लगभग हो भने 25 वर्षै भइसकेको छ, तर योग प्राणायामले गरेर म एकदम निरोगी जस्तै छु, कन्ट्रोलमा छ, तर औषधि अलि सेवन गरिरहनु परेको छ र जुन हाम्रो आयुर्वेदिक औषधि पनि बेला बेलामा लिन्छु। मुख्य यो योग प्राणायामले गरेर म एकदम स्वतः स्फूर्त छु गुरु। हो बहुत धेरै धेरै धन्यवाद भरत सर, यहाँले पक्कै पनि निर्मूल रहन्छ यहाँको, किनकि मसँग 82 वर्षको एकजना सर हुनुहुन्छ हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू, उहाँलाई पहिले पनि कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि सानो धेरै सुगर थियो, अत्यधिक सुगर उहाँलाई पनि रहन्थ्यो र अहिले 1 किलो मिठाई दिए पनि उहाँले खानुहुन्छ। उहाँलाई अब कुनै पनि समस्या रहँदैन, उहाँ नियमित रूपमा योग गर्नुहुन्छ र यसरी यहाँहरू पनि नियमित रूपमा योग गरेर, भरत सर जस्तै हामी सबै पनि नियमित रूपमा योग गरेर यसरी स्वस्थ रहन सक्छौँ र यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट सम्मान छ। अन्य सबैले पनि एउटा सङ्कल्प के लियौँ भने, हामी योग प्रशिक्षक योग प्रचारक भएको नाताले हामीले अबदेखि कुनै पनि औषधि नखानु परोस्, त्यसका लागि जति बढी योग गर्नुपर्छ त्यति बढी हामी योग गर्नेछौँ, जति समय बढी दिनुपर्छ त्यति हामी समय बढी दिनेछौँ र रोग चाहिँ म योग शिक्षक हुँ र मैले औषधि खाइराख्छु भन्न नपरोस्, यो सङ्कल्प लिन सक्यौँ भनेपछि यो सुगर डायबिटिज रोग दिवस या कुनै पनि दिवसहरू हुन्छन् भने त्यसको हामीलाई चाहिँ पक्कै पनि हामी त्यसको एउटा अभियन्ता हुनु आफूलाई मान्न सक्छौँ, त्यो सङ्कल्प हामी सबैले लिनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। यो दिवसको दिनमा म सबैका लागि सबै जति हुनुहुन्छ यहाँलाई नमन गर्दै म पुनः यहाँलाई मधुमेह दिवसको शुभकामना भन्न त मिल्दैन होइन, धेरै दिवसको त शुभकामना भन्न मिल्छ तर यो दिवस यस्तो पर्यो
मधुमेह दिवस को शुभकामना है यो रोग निर्मूल होस् कसैलाई पनि यो रोग नलागोस् त्यसका लागि कामना मात्रै प्रार्थना मात्रै हामी सबैले गर्दछौँ र यसको एउटै अभियान हो कामना गर्नको एउटै अभियान हो नियमित रूपमा योग गर्ने र योग गराउने जुन बाटोमा हामी छौँ त्यो बाटोमा हामी सबै सही बाटोमा छौँ त्यसका लागि परमात्मा परमेश्वरलाई नमन गरौँ वर्तमान युगमा स्वामीजी पहिले त हामीले पतञ्जलि ऋषि सुनेका मात्रै छौँ गौतम बुद्ध भगवान सुनेका मात्रै छौँ तर आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाइरहेका छौँ 200 भन्दा बढी देशले मान्ने र लाखौँ करोडौँ व्यक्तिहरूले मान्ने र त्यसबाट रिजल्ट पाएको है यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबै अब म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म पुनः बटुक सरलाई आमन्त्रण गर्छु बिमला रावतजीलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ त्यसपछि हामी एउटा बिमला रावतजी हुनुहुन्न हस् अब म पुनः बटुक सरलाई नै आमन्त्रण गर्छु र त्यसपछि हामी सबैले चाहिँ यहाँहरू आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो र एउटा कुरा म यत्तिकै के अनुरोध गर्छु भने कुनै पनि कार्यक्रम राम्रो कार्यक्रम कसैले पनि समाजमा गर्दछन् भने त्यो कार्यक्रममा आफू पनि भएर आफू पनि बढी सहभागी भइदिएर जसरी यो अनलाइन सोसियल मिडियाको कार्यक्रम छ नि सोसियल मिडिया कार्यक्रममा हामीले सहयोग कसरी गर्ने भनिसकेपछि एउटा आफू यसमा भए आएर सहयोग गर्ने र आफूले यो गराइदिने कहिले श्रोता भएर कहिले यसको अभियन्ता भएर र बढी जसो यी ब्यानरहरू भिडियोहरू लिङ्कहरू सेयर गरेर जो मान्छेले योगको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् उहाँलाई पनि चाहिँ यो अनलाइन कार्यक्रममा यस्ता यस्ता योगहरू हुन्छन् त्यसमा सहभागी बन्नुहोस् भनेर हामीले एउटा भिडियो पनि जसरी आज एउटा कार्यक्रम मानौँ योग चौतारीमा यो कार्यक्रम भयो भने यो भिडियोलाई हामीले एउटा पनि सेयर गर्न सकेनौँ भने हामीले कसरी सहयोग गर्यौँ तसर्थ हामी यस्ता राम्रा कार्यक्रममा पक्कै पनि हामीले अन्तिम व्यक्तिसम्म पुगाउने गर्यो भनेपछि हामीले सहयोग भन्छौँ यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ अरूलाई पनि गराउने प्रयास गर्नुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद बटुक सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले पनि यसरी जोडिराख्नुहुन्छ सहयोग गरिराख्नुहुन्छ आफ्नो ज्ञानलाई हामी सबैलाई बाँटिराख्नुहुन्छ तसर्थ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रतिभा भट्टराईजी आजको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि यहाँले पनि अमेरिका बसेर पनि घर छोडेर बाहिर गएपछिको पीडा एउटा हुन्छ तर पनि त्यसमा पनि यहाँले एउटा अभियान दिएर नेतृत्व गरेर आइतबारको कार्यक्रमलाई हाम्रो सावित्री दिदीले धेरै ठुलो योगदान गरिराख्नुहुन्छ उहाँसँग मिलेर र हाम्रो शारदा रेग्मी सुवेदीजीसँग मिलेर र धेरै टिमहरू अझ बनाउँदै जानुभएको छ विदेशबाट धेरै साथीहरूलाई जोड्नु भएको छ यसरी यहाँले जोडेर लागिरहनुहुन्छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमन गर्दछौँ र हाम्रो ओलम्पिया मुखर्जीलाई पनि आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है आप ऐसे योग कराते रहना आप भी ऐसे अभी इंडिया में हो तो ऐसे यहाँ से अमेरिका तक भ्रमण होता रहेगा आपको भी बहुत बहुत शुभकामना है र अहिलेको कार्यक्रम हामी पुनः बटुक सरलाई नै आमन्त्रण गर्दै बिदा हुन्छौँ र त्यसपछि एउटा भजन नृत्य लगाएर समापन गर्नेछौँ धन्यवाद ओम लवराज गुरु धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले यति सरल र मिठो भाषामा डायबिटिक्स मधुमेह चिनी रोग सुगर रोग जे नामले हामीले नाम लिए पनि त्यसको बारेमा यति सान्दर्भिक कुराहरू राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू गुरुलाई र यहाँ सम्पूर्णलाई आजको योग सेसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद योग गराउँ निरोगी बनाऊ यो हामी सबैले आफ्नोमा पनि पालन गरौँ र अरूलाई पनि पालन गर्न लगाऊँ यही मूल मन्त्र नाराका साथ हामी भोलि फेरि भेट्नेछौँ र अबको सत्र सानो मिठो भजनको साथ आजको प्रोग्रामलाई अन्त्य गर्नेछौँ सुधार जिंदगी को योग हो
सिर्जना महाशिव को योग विज्ञान दीर्घ जीवन को योग अभियान ऋषि हर को स्वाभिमान हो पुरख हर को ऋषि पतंजलि सूत्र ले अष्टांग योग माझांगिए को उच्च जीवन शैली सिकाउने योग नै दीप ज्ञान हो योग नै दीप ज्ञान हो शक्ति जाग्दछ ओम ध्वनिमा प्रेम बढाउँछ योगीहरुमा योग भूमिको सम्मान गर्दै पालना गरौं योग साधना योग नै हो गुण अपार अनन्त लाभ भण्डार हो सबै मन जोड्न सक्ने पोयो सागर हो प्रेम पोयो सागर हो प्रेम पोयो सागर हो योग हो सुधार जिंदगी को योग हो उतार जिंदगी को स्वस्थ रही उपहार हो जिंदगी को योग सिर्जना महाशिव को योग विज्ञान दीर्घ जीवन को योग अभियान ऋषि हर को स्वाभिमान हो पुरख हर को ऋषि पतंजलि सूत्र ले अष्टांग योग माझांगिए को उच्च जीवन शैली सिकाउने योग नै दीप ज्ञान हो योग नहीं दीप ज्ञान हो योग नहीं दीप ज्ञान हो शक्ति जाग्दछ ओम ध्वनिमा प्रेम बढाउँछ योगीहरुमा सम्मान गर्दै पालना गरौं योग साधना योग नै हो गुण अपार अनन्त लाभ भण्डार हो सबै मन जोड्न सक्ने प्रेम पोयो सागर हो प्रेम पोयो सागर हो गाउँ शहरमा योग फिजाउँदै योग गरौँ निरोगी बनौँ आहार विहार शुद्ध बनाउँदै स्वस्थ समाज निर्माण गरौं वैदिक ऋषिहरूको परम्परा युगौं युग चलिरहोस् विश्वलाई स्वस्थ बनाउने दिव्य शक्ति जागिरहोस् दिव्य शक्ति जागिरहोस् दिव्य शक्ति जागिरहोस्
वृत्ति को निरोध गर्दै मन वचन पवित्र बनाऊ समता को भाव जगाउँदै राष्ट्रलाई माथि उठाऊ योगमय बनाउने पा सबै नेपाली योगी बनुन् सबैलाई खुसी देखू कहीं कोही दुखी न बनुन् कहीं कोही दुखी न बनुन् कहीं कोही दुखी न बनुन् योग हो सुधार जिंदगी को योग हो ता